दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी का डाटा कैसे अपने फोन में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पीसी का डाटा कैसे फोन में देख सकते हैं। कहीं भी जहाँ पर मर्जी भी है, आप अपने पीसी का डाटा देख सकते हैं और स्ट्रीम भी कर सकते हैं। आप अगर कहीं भी जा रहे हैं या फिर आपको जरूरत पड़ती है अपने पीसी के डाटा की, आपके फोन में इतनी मेमोरी नहीं होती, तो हम सोचते हैं कि काश हमारे पास पीसी होता या फिर उसका डाटा हम एक्सेस कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि पीसी का डाटा कैसे अपने फोन में देख सकते हैं या फिर हम कॉपी भी कर सकते हैं और स्ट्रीम भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए हम देखते हैं हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन और पीसी में, अगर आपको फाइल्स पीसी की अपने फ़ोन में देखनी है। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है यूनिटी। ये देखिए, ये यूनिटी की वेबसाइट है। आप यहाँ पर इसकी फीचर्स वगैरह देख सकते हैं, जैसे ये मीडिया सर्वर की तरह एक्ट करता है और अपने हम पीसी की डाटा, कुछ भी डाटा हो, वीडियोस वगैरह सब स्ट्रीम कर सकते हैं, म्यूज़िक और दूसरी फाइल्स भी देख सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये लॉगिन के लिए पूछ रहा है। ये उसी अकाउंट से आपने लॉगिन करना है जिस अकाउंट में आप अपने फ़ोन में भी लॉगिन करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ लॉगिन विद गूगल, तो लॉगिन विद गूगल किया, उसी आईडी से आपको भी फ़ोन में भी सेम लॉगिन करना है। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लीजिए। 161.15 MB का ये सेटअप है यूनिटी का इंस्टॉलर। इसे थोड़ा टाइम लगेगा और अपने फ़ोन में भी हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में गए, यूनिटी सर्च की हमने। ये देखिए दोस्तों, प्ले स्टोर पे ये इजीली अवेलेबल है, इसको हम अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर लेंगे। को थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। इसका हमें बहुत फ़ायदा है यूनिटी सॉफ्टवेयर का। अगर हमने जैसे दूर कहीं घूमने जाते हैं और हमें फ़ोटोज़ वगैरह एक्सेस करनी होती हैं, या फिर कोई गाने हमारे हमें सुनने होते हैं जो हमारे पीसी में है, हमारे फ़ोन में नहीं है, तो उस केस में ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो जैसे दोस्तों, आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हमारा पीसी और फ़ोन में अभी डाउनलोड हो चुका है। हम पीसी में पहले इसको ओपन कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते। इंस्टॉल करना तो दोस्तों आपको आता ही होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट सिंपली हमने करना होता है और एक्सेप्ट। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। नेक्स्ट कर दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। हमारे फ़ोन में ये डाउनलोड हो चुका है। हम पहले पीसी में डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे अपने फ़ोन में और डाटा देखेंगे कि जो हमारे पीसी का डाटा है वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर, आप जहां मर्जी बैठे इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तब है जैसे अब आपने दोस्त के घर गए और उसको कोई अपने पीसी में कोई इमेज दिखानी है या फिर कोई वीडियो दिखानी है, आप ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं उस वीडियो को। आपको फ़ोन का स्टोरेज वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे पीसी में ये डाउनलोड हो चुका है और ये शो कर रहा है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपका ऐसे आइकन शो होगा। तो नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश करिए सेटअप। यहाँ पर देखिए, ये यूनिटी जो सॉफ्टवेयर है हमारा ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं साइन इन करूँगा विद फेसबुक। आपको उसी ईमेल अकाउंट से साइन इन करना है जिस अकाउंट से आप अपने फ़ोन में भी साइन इन करेंगे। तो साइन इन विद फेसबुक मैंने यहाँ पर कर दिया और अपने फ़ोन में भी ये रजिस्टर करेगा और अपना डाटा जो है, अब हमारा जो पीसी का डाटा है वो सारा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको ब्राउज़ करने के लिए।
ताकि ये उस सर्वर पे रख सके डाटा, ताकि हम अपने अपने फोन में इसको एक्सेस कर पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस डिवाइस इज़ नाउ रजिस्टर्ड, यूनिटी इज़ नाउ स्कैनिंग दिस डिवाइस। तो इसको स्कैन कर रहा है, जितनी भी फाइल्स हैं वो अपने सर्वर पे रखेगा, ये जो हमारी पीसी की है। इसमें जो आपका डाटा है वो सिक्योर ही रहेगा, आप ये टेंशन नहीं लेने लग जाओ कि हमारा डाटा सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने फ़ोन में भी इसको लॉग इन कर लेते हैं फेसबुक से। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है, यूज़र आईडी आपकी ये है जिस अकाउंट से आपने लॉग इन किया है। और यहाँ पर आप डिवाइसेस में अपने फ़ोन में देख सकते हैं, डिवाइसेस में एक तो आपका खुद का डिवाइस आ रहा है और दूसरा आपका पीसी आ रहा है। तो अभी स्कैनिंग जो है वो चल रही है अपने फ़ोन में, देख लेते हैं जो फाइल्स आपको शो होंगी अपने पीसी की, वो फाइल्स में शो होंगी, जितने भी फोल्डर शो होंगे। अभी यहाँ पर एम्प्टी शो कर रहा है क्योंकि अभी स्कैनिंग आपकी है वो चल रही है। जब स्कैनिंग आपकी फुल हो गई तो यहाँ पर आप अपने म्यूजिक्स वगैरह और वीडियोस सारी यहाँ पर देख सकते हो। तो हम वेट करते हैं कब स्कैनिंग खत्म। तो यहाँ पर अब दोस्तों आप देख सकते हैं स्कैन कंप्लीट नाम का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, फाइल्स फ्रॉम ओएस आर नाउ अवेलेबल ऑन योर अदर डिवाइस, मतलब आप फोन में अब देख सकते हैं। तो हम अपने फोन में गए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग मेटा डाटा फ्रॉम रिक, मतलब आप फाइल्स में जाइए, अगर फाइल्स को आपने देखना है यहाँ पर देखिए बहुत सारे फोल्डर आ चुके हैं जबकि पहले कोई फोल्डर नहीं था। तो अगर आपने अपने पीसी का डाटा देखना है डेस्कटॉप पे जाइए, तो ये देखिए सारे जो इमेजेस हैं हमारी डेस्कटॉप पे वो सारी यहाँ पर शो होने लग जाएंगी, जो भी फोल्डर आपने वहाँ पर बनाया है या फिर वीडियोस वगैरह है वहाँ पर, वो सारी वीडियोस इमेजेस सब यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों अपना जो ड्राइव आप भी ऐड कर सकते हैं, अगर ड्राइव आपको ऐड करनी है तो यहाँ पर जाइए प्रेफरेंसेस में, ओपन यूनिटी, अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, ये पूरा यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। प्रेफरेंसेस में जाकर आप ड्राइव भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फ़ोन में भी पूरा कंटेंट आया नहीं है, ये डाउनलोडिंग ही कर रहा है। जैसे आप मैं किसी फोल्डर में जाता हूँ, जैसे ये वीडियो फाइल है, हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं हम इसको ऑनलाइन भी प्ले कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगी ब्राउज़ करने के लिए, ये देखिए कोई भी आपकी जो वीडियो फाइल है वो यहाँ पर हम फ़ोन में भी देख सकते हैं, फोटोज़ देख सकते हैं। ये ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी डाउनलोडिंग हो रहा है अपने फ़ोन में कंटेंट। तो ऐसे ही दोस्तों अपना जो डाटा आपका पीसी का है वो अपने फ़ोन में आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने अपना डाटा अभी अपने फ़ोन में देख चुके होंगे, आप इसे ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, हम ऐसी वीडियोस और भी लेकर आते रहेंगे। अगर ऐसी वीडियोस आपको और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन होगा उसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।